मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 9-10। टुडे अगेन आई एम देयर विद द वीडियो ऑफ द ग्रामर सेक्शन दैट इज द कंटिन्यूड वीडियो ऑफ द लास्ट वन दैट वाज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी पिछले क्लास में जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे हमने बात की थी उसी को आज फर्दर करके टॉपिक को आज क्लोज ऑफ करते हैं। और ये क्या है जरा देखिए वर्ड। इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट सिक्स रूल्स। जस्ट रिवाइज इट वंस, एक रिहर्स कर लेंगे उसे आप, और उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे ताकि कंटिन्यूटी बन जाए। तो रूल नंबर 7, 8, 9 and 10, हाउ द सब्जेक्ट्स आर इन कोलैबोरेशन यूज विद द वर्ब, और कैसे वर्ब के साथ सब्जेक्ट का एग्रीमेंट होकर एक परफेक्ट सेंटेंस बनता है उसके स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे। एंड इट इज कि सम सब्जेक्ट्स व्हिच आर ऑलवेज इन सिंगुलर आर फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, दीज नाउंस कांट बी चेंज्ड into plural. Example, furniture, luggage, advice, news, knowledge, electricity, money, music, and so on. Means, आपको मैंने कुछ examples देकर रखे हैं। Now, listen very carefully to what I am going to explain and say on this topic. Subject जो use करते हैं हम writing a sentence, जो formal, normal structure होता है वो होता है subject, verb and object. और सब्जेक्ट जब यूज करते हैं सब्जेक्ट के कई रूप हैं। जनरल वे में जब हम जानते हैं उसको हम कहते हैं इट कुड बी नाउन, इट कुड बी प्रोनाउन। लेकिन यहां बात क्या हो रही है कि जो सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो नाउन तो है। रूल नंबर 1 को जरा याद कीजिए आगे बढ़ने से पहले। रूल नंबर 1 के साथ कि नाउन के साथ आप एस या एस एड करते हैं इट बिकम्स प्लूरल। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया के इतने सारे नाउन्स होंगे क्या सबके साथ एसीएस एक्टर से प्लूरल बनते हैं? तो आंसर इज नो, सबके साथ ऐसा नहीं होगा। सो लिसन टू इट कि कौन कौन से वर्ड का कलेक्शन मैंने यहां पर रख रखे हैं जिनके प्लूरल फॉर्म चेंज नहीं होते, बहुवचन नहीं बनते। उनमें से है कुछ वर्ड कि कांट बी चेंज इंटू प्लूरल, एंड दोज आर फर्नीचर, लगेज, एडवाइस, न्यूज, नॉलेज, इलेक्ट्रिसिटी, मनी, म्यूजिक एंड एक्सेट्रा। यानी ये वो वर्ड है कुछ आपके सामने रखे हुए एज एन एग्जाम्पल विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्लूरल। ये वो नाउन है जिनका सिंगुलर टू प्लूरल यानी चेंज ऑफ नंबर नहीं होते। और ऐसे वर्ड्स का जब एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं हम एज अ सब्जेक्ट, तो फिर ये हमेशा जिनके बाद जो भी वर्ब आप यूज करेंगे वो होगा सिंगुलर। माइंड इट, जस्ट याद रखें मेरी बात। सिंस ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, इनके प्लूरल नहीं बनते, इसलिए इनके साथ जब भी वर्ब आएगा वो सिंगुलर में ही रहेंगे। एग्जाम्पल अब आप देखिए कैसे, मैंने दो सेंटेंस लिए हैं और दोनों की एग्जाम्पल आपको बता दूं। ऑल द लगेज, लगेज आपका ऐसा नाउन है विच के नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्लूरल, तो इसीलिए लगेज सिंस इट इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर सो इसके साथ मैंने यूज कर दिया वाज, एंड वाज इंडिकेट्स ये एक सिंगुलर नाउन है। तो ऑल द लगेज वाज लॉस्ट। इन द सेम वे द न्यूज इज गुड, न्यूज एस लगा हुआ है। आम जिंदगी में हम देखते हैं कि किसी वर्ड के साथ नाउन के साथ एस लग जाए तो प्लूरल हो जाते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी, देयर आर सम एक्सेप्शनल एंड कुछ अपवाद होते हैं। जैसे कि न्यूज वर्ड में न्यूज मीन समाचार एंड इट इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, तो इसीलिए इस वर्ड के साथ जब भी आप वर्ब यूज करेंगे इट हैज टू बी सिंगुलर। तो इसका आंसर द न्यूज इज गुड, सो न्यूज इज यूज्ड इन सिंगुलर दैट इज व्हाई द वर्ब यूज्ड इन सिंगुलर दैट इज इज। तो आई होप रूल नंबर 7 एवरीवन गॉट इट। और वो क्या था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके नंबर चेंज नहीं होते सिंगुलर टू प्लूरल, दैट इज व्हाई व्हेनेवर वी विल यूज वर्ब विद दैट सब्जेक्ट दैट नाउन इट शुड ऑलवेज बी अ सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब का कलेक्शन अगर कुछ बातें करें तो इज वॉज हैज हैड, ये सिंगुलर की आइडेंटिटी देता है। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में और साथ ही साथ वर्ब के साथ ऐसी है। तो रूल नंबर 8 के बाद इफ द सब्जेक्ट इज, अगर आप सेंटेंस के एक अलग फॉर्मेट में जाते हैं, देयर आर मेनी वेज ऑफ राइटिंग सेंटेंसेस इन इंग्लिश, अंग्रेजी में वाक्य लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से आपने कई 7 रूल में कई चीजें देखी। आखिर में आप देख रहे हो कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, वन, एनीवन, नो वन, समवन, नोबडी, समबडी, ऐसे शब्द हो जो सब्जेक्ट का काम करता है एक सेंटेंस में, तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ हमेशा
ध्यान रखेंगे सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे आप. सो कीप इट इन योर माइंड कि ऐसे वर्ड जब भी सब्जेक्ट पर काम करेगा, जो कलेक्शन आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है, इनके साथ आप जब भी वर्ब यूज करोगे इट हैज टू बी सिंगुलर. अब इसको एज एन एग्जाम्पल देखा जाए. सुनने में लगा क्या? चलिए क्लियर हो गया कि ऐसे वर्ड के साथ, ऐसे सब्जेक्ट के साथ जो भी वर्ब आएगा, सब्जेक्ट में कौन है? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, वन, एनीवन, नो वन, है ना, ऐसे शब्द, नोबडी, समबडी, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होंगे. लेट अस सी एग्जांपल. एन एग्जांपल आर, एवरीवन वाज प्रेजेंट, नो वन इज रेडी टू डू दिस. इन दोनों सेंटेंसेस में एवरीवन उसी कलेक्शन में आता है जो ऊपर है, और इसके साथ जो वर्ब हमने यूज किया वाज, ये इंडिकेट करता है कि ये सिंगुलर में लिखा जाएगा. सेम वे में नो वन एक ऐसा सब्जेक्ट हुआ जो रूल नंबर 8 के अकॉर्डिंग है, और उसमें वर्ब यूज किया वो हमने किया इज दैट सिंगुलर. सो इन बातों को यू हैव टू लर्न, यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि अच्छा ये वर्ड्स जब भी मेरे नजर आएंगे और वर्ब डालना होगा इट हैज टू बी सिंगुलर. रूल नंबर 9, अब जरा अलग वर्ड का कलेक्शन है, बोथ, मैनी, सम, और एक वर्ड है फ्यू. जरा सुनिएगा चार वर्ड, बोथ, मैनी, सम, फ्यू, F A N Y. आई होप यू कैन क्लियरली सी द रिटन वर्ड मैनी. तो बोथ मैनी, सम एंड फ्यू ये चार वर्ड है. दीज आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, या हमेशा प्लूरल के रूप में ही यूज होते हैं, ये दिमाग में रखने की बात. और अगर ये सब्जेक्ट के रूप में हो, इफ द सब्जेक्ट इज दिस, यानी ये चारों शब्द अगर सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं सेंटेंस में, यानी सेंटेंस की शुरुआत इनसे होती है, तो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, दिस इज, दीज आर प्लूरल, तो इनके साथ वर्ब भी आपको प्लूरल ही यूटिलाइज करना होगा, यूज करना होगा. एंड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज बोथ ऑफ देम, नाउ वी हैव यूज बोथ, सो बोथ यूज होने के कारण मैंने लगा दिया आर, तो बोथ ऑफ देम आर रेडी. Many of them, या आप जो भी लगा सकते हैं, many of them have come back. तो यहाँ पे are is also an indicator of plural, have is also an indicator of plural. This shows कि many or both are in the category of plural. That is why we are using plural verb with them. And the last one that is 10th, final, that is if sentences begins with there. समझने की जरूरत है, देयर को मैंने कॉमा के अंदर रखा है, इसीलिए इनवर्ट कॉमा के अंदर रखा है क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत कई बार देयर से भी होती है. जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं देयर वाज ए किंग, देयर इज अ स्टोरी ऑफ अ ग्रेट मैन, है ना, ऐसे सेंटेंस शुरू होते हैं, देयर वाज अ टाइम, देयर वाज अ किंगडम, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ मैन, देयर वाज अ फार्मर, ऐसे करके सेंटेंसेस की या स्टोरी की शुरुआत होती है, उसमें आप देखते होंगे कि देयर से सेंटेंस की शुरुआत होती है. तो ऐसे सब्जेक्ट जब देयर से किसी सेंटेंस की शुरू हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में जब सब्जेक्ट का यूज करेंगे और सब्जेक्ट जब आता है तो वर्ब का यूज जो होगा वो देयर के तुरंत बाद होगा. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. और वो क्या है कि जब किसी सेंटेंस की शुरुआत देयर से हो और देयर के बाद आपको हमेशा यूज करना होता है कोई वर्ब, और वर्ब के बाद आता है आपका नाउन, दैट इज द सब्जेक्ट, तो फिर यह वर्ब जो यूज होगा जस्ट कमिंग नाउन जो होगा उसके लिए यूज किया जाता है जो देयर के तुरंत बाद आता है. क्या कि सेंटेंसेस बिगिंस विद देयर एंड द वर्ड इज यूज्ड विद रियल सब्जेक्ट दैट कम्स आफ्टर देयर. यानी कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत जब देयर से होती है और उसके बाद जो नाउन आएगा या सब्जेक्ट आएगा उस नाउन या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है जो देयर के बाद तुरंत लिखा जाता है. जैसे कि मैंने तीन चार सेंटेंस आपको कहे, देयर वाज ए किंग, है ना, देयर आर स्टोरीज अबाउट, तो आप देख रहे हैं कि देयर वाज ए किंग, मैंने ए किंग बोला इसलिए मैंने वाज यूज किया देयर के बाद. मैंने कहा देयर वर स्टोरीज अबाउट, मैंने कहा स्टोरीज कहानियां, इसलिए मैंने वर लगा दिया. तो क्या किया है, सेंटेंसेस बिगिंस विद देयर था, ध्यान क्या दिया हमने, सर वर्ब का जगह मैंने छोड़ा और मैंने सब्जेक्ट पे ध्यान दिया, और पहले वाले सब्जेक्ट में किंग था, दूसरे वाले में स्टोरीज था, तो किंग इज सिंगुलर इसलिए मैंने किया वाज, देयर वाज ए किंग, और स्टोरीज प्लूरल, देयर वर स्टोरीज, वर वाज का प्लूरल वर्ड. तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर फॉलो करनी है, फॉर्मेट फॉलो करना है, एंड यू शुड लर्न ऑल दिस थिंग्स, इट विल इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स,
इन ग्रामेटिकल सेक्शन, जो लिटरेचर या ग्रामर दो सेक्शन में जो आपका पेपर बटा हुआ है उसमें राइटिंग स्किल्स भी ग्रामर पर फोकस करके लिखना होता है. तो योर लैंग्वेज शुड बी अप टू मार्क इफ यू नो दिस रूल्स सब्जेक्ट ऑफ एकेडमिक. तो आप इसको एक एग्जांपल से देखा जाए, जो बोर्ड पे लिखा हुआ एग्जांपल उस पे देखा जाए, तो देयर इज नो बुक इन द बॉक्स, देयर इज ए बॉय. इन दोनों केसेस में मैंने यूज किया है क्योंकि यहां बॉय इज सिंगुलर, ए बॉय, एंड बुक इज सिंगुलर, तो इसलिए मैंने सिंगुलर वर्ब फ्रेज किया है दिस इज. अब अगला तो देखते हैं, देयर आर बॉयज, मैंने जैसे बॉय का बॉयज किया वर्ब चेंज हो गया प्लूरल, और उसी तरह से जब यहां का देयर इज नो बुक मैंने लिखा देयर आर नो बुक्स इन द बॉक्स. व्हाई आर, बिकॉज सर बुक को मैंने चेंज कर दिया बुक्स में, तो जब प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ड, सिंगुलर हो गया तो सिंगुलर वर्ड, एंड दिस इंडिकेट्स कि देयर वाले सेंटेंसेस में यानी इंग्लिश का वन मोर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ सेंटेंस, इफ सेंटेंस बिगिंस विद देयर तो जो वर्ब आएगा जस्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, आइदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल. यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू यूज द वर्ब, एंड दीस आर द रूल्स. तो 10 हो गए आज का लेकर कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे होता है, and you have to follow this or this will help you for the writing section or examination something coming. So that's all for today. Thank you. Note this down and listen to it carefully. But jaise ki maine pehle keh diya hai, ye continued section hai, that is section 2. First section mein jo video gaya uske sunne ke baad aap agar aayenge, it will be easy for you to understand. Okay, thank you.